हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। और दोस्तों, अगर आपको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है तो मैं आपको इस वीडियो में 5 मिनट के अंदर 3 ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें बस हार्डली आपका 2 मिनट का टाइम जा सकता है प्रैक्टिस करने में, बट आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि कौन सी वो 3 ऐसे सिंपल एक्सरसाइज है जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं मैं आज कुछ नए टाइप का माइक यूज कर रहा हूं इस वीडियो के लिए, और इसका नाम है रोड वायरलेस गो। ये मैंने सेम माइक यूज करा मेरे लास्ट व्लॉग में और मुझे उसका बहुत अच्छा फायदा हुआ है। ये वायरलेस माइक है, मतलब कि आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं और आप आराम से उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। एंड आई फील कि ये बहुत अच्छा माइक है, अगर आप यूट्यूबर है या फिर आपको आप वीडियो बनाते हैं तो आई रिकमेंड कि आप इस माइक को भी यूज कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। 3 एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट और जो मेरा सबसे फेवरेट दोस्तों एक्सरसाइज है, वो है आपका माउथ एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आपको माउथ एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आप जब भी बात करते हैं, आपने देखा होगा कि बाहर बात करने से पहले आपका मुंह अगर स्टक हो चुका है, ये मुंह अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो आप बहुत सारे वर्ड में स्टैमर करते हैं, अटक जाते हैं। बट वही अगर आप अपने मुंह को बहुत ही अच्छे से ओपन करते हैं तो आप देखते हैं आपके वर्ड बहुत ही इजीली ओपन हो रहे हैं, जैसे कि मैं आपके सामने ये कर रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है जो आपका माउथ का एक्सरसाइज है, उसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब भी आप अपने मुंह को ओपन करते हैं, आपको थोड़ा सा लिटिल बिट उसको एक्सटेंड करके ओपन करना चाहिए, जैसे कि मैं आपके सामने अभी यूज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों, इसका एक्सरसाइज करने के लिए मेरा जो फ्री वीडियो कोर्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। उसमें मैंने डे 2 में ये एग्जैक्टली एक्सप्लेन किया है। कम से कम मैंने उसमें 5 से 6 वीडियो ऐसे अपलोड किए जहां पर आपको मैं एग्जैक्टली बता रहा हूं कि आपको अपना मुंह कैसे ओपन करना है। तो मैं इस वीडियो में आपको ज्यादा बताने से अच्छा है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां पर क्लिक करके आप माउथ एक्सरसाइज का वीडियो जरूर देखिए। वहां पर आपको एग्जैक्टली ई एंड ओ का प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको एक्सप्रेशन कैसे करने और आपको इसे माउथ ओपनिंग कैसे करना है, वो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। तो जो एक्सरसाइज दोस्तों ई एंड ओ की या फिर माउथ ओपनिंग की आपको डेली करनी चाहिए, तो ये आपको बहुत ही फायदा देगी माउथ ओपनिंग करते समय। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैं अपने माउथ को बहुत ही इफेक्टिवली ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप भी ऐसे अपना माउथ को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आप बहुत ही कम वर्ड पे स्टैमर करेंगे, मतलब कि इसको टाइम कितना लगता है। अब दोस्तों, इसको बहुत ही कम टाइम लगता है, ये हार्डली आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, जैसे कि समझ रहे हैं? जैसे कि अगर मैंने इस एक्सरसाइज को अभी किया तो आप देखेंगे मेरा जो मुंह है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो चुका है, ये मेरा मुंह एक्टिव हो चुका है जो मुझे हेल्प कर रहा है अभी अच्छे से बोलने के लिए। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं और अगर आपके अंदर डर है तो आप सिंपली अपना 2 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम लेकर थोड़ा सा अगर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे आपका ये जो मुंह है ना, अगर आप ऐसा भी करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मुंह है बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी से ओपन हो पा रहा है, जो पहले नहीं हो रहा था। तो सबसे पहला एक्सरसाइज वो है आपका माउथ एक्सरसाइज का, जिसमें आपका ये जो मुंह है ये अच्छे से ओपन होने वाला है। तो अगर आपको इन डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री वीडियो कोर्स उसको जरूर देखिए, या फिर आपको आइडिया आ चुका है आपको कैसे एक्सरसाइज करना है, सिंपली ऐसे स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करना है, थोड़ा सा आंखों से थोड़ा सा एक्सप्रेशन से स्ट्रेच करना है, और 10 सेकंड के बाद आप देखेंगे आपके अंदर से वर्ड अच्छे से निकल रहे, क्योंकि आप अभी थोड़े अपने मुंह को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको भी हेल्प कर रहा है। इसमें दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है आपके लिप्स के लिए एक्सरसाइज, जिसका वीडियो हमने इसके पहले भी अपलोड किया था, जिसका नाम था बजिंग टेक्निक। मैं आपको फिर से वो एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसमें बहुत ही सिंपल सी बात होती है दोस्तों, कि आपको अपने लिप्स को वाइब्रेट करना है। अब दोस्तों, वाइब्रेट कैसे करना है चलिए देखते हैं। दोस्तों, जब आप किसी घोड़े को देखते हैं, जैसे एक घोड़ा कैसे करता है, राइट, कैसे करता है,
तो आपको सिंपली ऐसा प्रैक्टिस करना है जिसमें आपकी जो लिप्स है वो थोड़े से वाइब्रेट हो जाए। अब दोस्तों वो जो बजिंग टेक्निक का वीडियो है उसमें हमने थोड़ा सा अलग आपको एक्सप्लेन किया था, बट मैं उसका एक सिंपल वर्जन आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर एक्सरसाइज करनी है लिप्स के रिगार्डिंग, तो यही एक्सरसाइज आपको हेल्प करते हैं अपने लिप्स को ओपन करने के लिए। क्योंकि दोस्तों जब भी आप बात करते हैं आप देखते हैं आप कुछ वर्ड में ना अपने लिप्स को क्लोज कर देते हैं, उसमें आपके वर्ड बाहर नहीं आ पाते। जैसे कि ऐसे आप करते समय आपके लिप्स क्लोज हो जाते हैं, तो अगर आपके लिप्स अगर एक्टिव है तो आप उसमें अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपका दूसरा एक्सरसाइज कैसे होना चाहिए देखिए, अगर आपने ये एक्सरसाइज 5 बार या फिर 10 बार किया, यानी कि आपको इस एक्सरसाइज को तब तक करना है जब तक कि आपका जो लिप्स है एक्टिवेट ना हो जाए, और हार्डली आपको 1 मिनट लगता है अपने लिप्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो पहले एक्सरसाइज में आपको टाइम लग रहा था 10 सेकंड का या फिर 20 सेकंड का, और इस एक्सरसाइज में आपको टाइम लग रहा है बस हार्डली 1 मिनट का, और या फिर आप उससे 1 मिनट से भी कम कर सकते हैं जब तक कि आप अपने लिप्स को एक्टिवेट ना कर दे। तो एक्टिवेट कैसे करना है एक बार जरूर देख लीजिए। दोस्तों आप इस दूसरे टाइप के एक्सरसाइज को बाहर भी ट्राई कर सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन ये आ सकता है अगर हमने इस एक्सरसाइज को बाहर ट्राई करें तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। जैसे कि आप ऐसा ट्राई करेंगे कि, और अगर आपके सामने कोई इंसान आ रहा है तो दोस्तों सिंपल सी बात है आपको उनके सामने ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको ये प्रैक्टिस तब करना है जब आप फॉर एग्जांपल चल रहे हैं और आपको कोई नहीं देख रहा है, तो उस समय आपके लिप्स आप एक्टिवेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप बाइक पे जा रहे हो तो वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप वॉक कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं वहां पर आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप गार्डन में घूम रहे हैं, या फिर आप बैठे कहीं पर तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप अपने वॉशरूम में इसको ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके लिप्स आराम से एक्टिवेट हो जाएंगे। आपको हार्डली इसको 5 बार या फिर 10 बार या फिर मैक्सिमम आपको 1 मिनट ही उसको करना है, ताकि आपके लिप्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे आप देखेंगे आपका जो मुंह है वो फटाफट ऐसे ओपन हो रहा है। तो दूसरा एक्सरसाइज जो था वो आपके लिप्स के रिगार्डिंग, इसमें आपको इसको वाइब्रेट करना है, इसको मैं कहूंगा बजिंग टेक्निक। और दोस्तों तीसरा जो एक्सरसाइज है वो है आपके टंग के रिगार्डिंग एक्सरसाइज, जहां पर आपको अपने टंग को वाइब्रेट करना है। जैसे कि हमने इसके पहले देखा था आपको लिप्स को वाइब्रेट करना है, और हम देखते हैं कि आपके टंग को कैसे आपको वाइब्रेट करना है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करते समय ऐसे प्रैक्टिस करना है जैसे कि आप बोल रहे र प्रैक्टिस। जैसे आपको कैसे बोलना है देखो, सबसे पहले आपको बोलना है अ, और फिर उसके बाद आपको बोलना है अर। कैसे बोलना है अर, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपकी टंग होगी वाइब्रेट और इससे आपके बहुत सारे वर्ड में आपको फायदा होगा बोलने में। तो आपको ये जो र का प्रैक्टिस है इसमें आपको र ही क्यों बोलना है दोस्तों, क्योंकि जो र है वो एक्चुअली वाइब्रेट होकर बाहर आता है। इसलिए अगर आपको टंग की एक्सरसाइज करना है तो उसमें आपको र को वाइब्रेट करना चाहिए। अगर आपका र र ऐसे नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, आपको उसमें अ को ऐड करके फिर र बोलना है। जैसे कि और, अगर आपका र वाइब्रेट नहीं हो रहा है आपको इसमें डिफिकल्टी आ रही है, तो आप दोस्तों ऐसा कर सकते हैं इसमें कि अर र र र र फिर अर 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 ऐसा, उसके बाद अर। मतलब कि ये एक्सरसाइज आपको तब तक करनी है जब तक कि आपका टंग वाइब्रेट ना हो जाए। इसमें मैंने आपको जो 3 एक्सरसाइज बताई बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें आपको हार्डली 2 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। बट आपका क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम इसको बाहर कैसे ट्राई करें, ये तो हम घर पे ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके अंदर इच्छा है कि हमको अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है तो आप इसको कहीं भी ट्राई कर सकते हैं, आपको उसको करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आपका सबसे पहला एक्सरसाइज था वो था माउथ स्ट्रेचिंग का एक्सरसाइज, माउथ ओपनिंग का एक्सरसाइज। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री वीडियो कोर्स है, उसको जरूर देखिए। उसमें डे टू में मैंने एग्जैक्टली बताया कि आपको माउथ एक्सरसाइज कैसे करना है। दूसरा एक्सरसाइज दोस्तों ये था जिसमें आपको तब तक करना है जब तक कि आपका लिप्स एक्टिवेट ना हो जाए। और तीसरा एक्सरसाइज था दोस्तों, अगर आपने तीनों एक्सरसाइज एक के बाद एक किया, जैसे कि आपने सबसे पहले किया माउथ स्ट्रेचिंग का, उसके बाद आपने किया आपके लिप्स को वाइब्रेट किया, उसके बाद आपने किया आपके टंग के वाइब्रेशन को, तो हार्डली आपको इसमें 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। बट ये जो आपके 2 मिनट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रेजेंटेशन है, आपका स्टेज का परफॉर्मेंस है, या फिर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपके अंदर डर है, तो अगर आपने इतना भी प्रैक्टिस किया दोस्तों तो आप देखेंगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि ये तीनों एक्सरसाइज आपके पूरे मुंह को एक्टिवेट कर रहे हैं। और जब आपके अंदर ब्लॉकेज आता है तो आप देखते हैं आपका मुंह हो गया स्टक, तो ये वाली एक्सरसाइज आपको वहां पे हेल्प कर सकती है। आई थिंक ये जो आपका छोटा सा वीडियो है इसमें आपको एग्जैक्टली समझ में आ चुका है कि आपको कौन सी कैसे एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आप कहीं भी कर सकते हैं, इसका कोई भी आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए कि मुझे सुबह ही करना है या शाम को ही करना है। अगर
अगर आपने उसको घर पे एक बार ट्राई करके देखा है तो आप उसके बाद कुछ वर्ड को बोलने की कोशिश कीजिए जहां पर आपको अपने थोड़े मुंह को थोड़ा सा स्ट्रेच करके बोलना पड़ेगा, तो आपके वर्ड्स जल्दी निकल कर बाहर आएंगे। या फिर अगर आप बाहर है, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप बाहर घूम रहे हैं, तब भी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपको शर्म आने की कोई भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, आपको उसको ओवरकम करने के लिए बाहर ज्यादा से ज्यादा बात करने के लिए अगर आपके अंदर डर है, तो इन तीन एक्सरसाइज से आप अगर अपने डर को कम करेंगे तो आप देखेंगे आपके वर्ड्स बाहर इजिली बाहर आ रहे हैं। सो ये तीन जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल है, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, इसमें हार्डली आपको 2 मिनट का ही टाइम लगता है। आप उसको सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए, रात को कीजिए, आपको जब टाइम मिले उसको तब कीजिए, क्योंकि आपका अगर मुंह बहुत ज्यादा एक्टिव है तो आपके मुंह से हर वर्ड बाहर निकलना शुरू हो जाता है और आप देखते हैं कि आपके वर्ड्स अगर निकल रहे मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये छोटा सा मगर बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक मैंने आपके साथ शेयर किया है एंड आई होप आई फील कि आप इसको जरूर आज से ट्राई करेंगे। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है और आई नो कि जब मैं अपने क्लाइंट्स को ये सेम टेक्निक सिखाता हूं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। दोस्तों आपको मुझसे और भी कुछ सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, आप उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और हमारी तरफ से आपको व्हाट्सएप या फिर कॉल आ जाएगा उसके रिगार्डिंग। सो आई थिंक मैंने अपना 100% आज इस वीडियो में ट्राई किया है। सो अगर आपको दोस्तों वीडियो सच में दिल से पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में देखिए आपको वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने दिन के लिए, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं ऐसे नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।